नमस्ते, हमेशा खुश रहो बिटिया। आई एम JVN डॉक्टर रुपेश एम लिखार, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ क्रिया शरीर, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंस, जयोति विद्यापीठ, वुमेन्स यूनिवर्सिटी, जयपुर। टुडे वी विल डिस्कस द टॉपिक रस धातु। लेट्स स्टार्ट विद निरुक्ति। तत्र रस गतो धातु अहरह गच्छति इति अतो रस। गतो धातु मीन्स मोबाइल धातु, गतिशील धातु। अहरह कंटिन्यूअस निरंतर, गच्छति इति अतो रस सतत संचरणशीलो द्रव धातु। रस धातु शरीर में निरंतर संचरणशील गतिशील रहने वाली द्रव स्वरूप धातु है। धातु विच इज सर्क्युलेटेड कंटिन्यूअसली इन द बॉडी इज कॉल्ड एज रस धातु। नेक्स्ट इज पर्याय। पर्याय फर्स्ट पर्याय इज सौम्य धातु। सौम्य धातु क्यों कहा जाता है इसे? क्योंकि यह रस धातु की सौम्यता को यह पर्याय दर्शाता है, जिससे शरीर का पोषण व वर्तन होता है। इट इंडिकेट्स कूलनेस ऑफ रस धातु विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूट्रिशन एंड ग्रोथ ऑफ द बॉडी। इसके अलावा इसे आहार प्रसाद भी कहा जाता है। प्रसाद अर्थात ग्राह्य भाग। रस धातु आहार रस से निर्मित होने वाली प्रथम धातु है, अतः इसे आहार प्रसाद भी कहा जाता है। इसी तरह रस धातु सप्त धातुओं में से प्रथम क्रमांक की धातु होने की वजह से सप्त ऋषियों में से जो प्रथम क्रमांक के ऋषि आत्रेय हैं, उनके नाम से भी इस धातु को जाना जाता है। नाउ कर्म ऑफ रस धातु। फर्स्ट कर्म इज धारण करना, धारयति। दृढ़ धारयति धारण करना, आयुष्य बनाए रखना। आयुष्य मीन्स शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्मा, इनका सहयोग चिर काल तक बनाए रखना। ये अन्य धातुओं के साथ ही रस धातु का भी सर्वसाधारण कर्म है। इसके अलावा रस धातु का श्रेष्ठ कर्म क्या है? रसस्य प्रीणनम श्रेष्ठ कर्मम। प्रीणनम जीवनम लेप स्नेहो धारण पूर्णे गर्भोत्पादश्च धातूनाम श्रेष्ठ कर्म क्रमात् स्मृतम। मीन्स रस धातु का श्रेष्ठ कर्म क्या है? प्रीणन कर्म। प्रीणन कर्म मीन्स आप्यायन अर्थात तर्पण करना। रस धातु प्रीणन कर्म द्वारा शरीर घट को तथा मन का तर्पण कर उन्हें तरोताजा करने का यह काम करती है। इस प्रीणन कर्म की तुलना हम लोग मुरझाए हुए पौधे को पानी देने पर उसमें आने वाली ताजगी से किया जा सकता है। प्रीणन इज द मेन फंक्शन ऑफ रस धातु। प्रीणन मीन्स ग्रेटिफिकेशन, सेटिस्फेक्शन एंड फ्रेशनेस। दिस प्रीणन फंक्शन कैन बी कंपेयर्ड विद द फ्रेशनेस ब्रॉट इन द ड्राई प्लांट बाय वाटर। इसके अलावा सुश्रुत ने क्या बताया? रस तृष्टिम प्रीणनम रक्त पुष्टिम च करोति। फर्स्ट इज तृष्टि। तृष्टि मीन्स इट इज अ मेंटल इमोशन। यह एक मानसिक भाव है। अन्न जल आदि की प्राप्ति होने पर भूख और प्यास का जो शमन होता है, जिससे एक प्रकार का सेटिस्फेक्शन समाधान होता है, इसे तुष्टि कहा जाता है। रस धातु का यह कर्म सुश्रुत आचार्य ने बताया है। उसके बाद रक्त पुष्टिम। रक्त पुष्टिम क्यों कहा है? क्योंकि रस धातु से प्राप्त पोषक अंश से रक्त धातु की निर्मिति होती है, अतः इसे रक्त पुष्टि में सहायक बताया है। रक्त धातु इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम पोषक अंश डेराइव्ड फ्रॉम रक्त धातु। नरिशमेंट ऑफ रक्त धातु इज अनादर इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ रस धातु। नाउ संगठन ऑफ रस धातु। तत्र पंचभूतात्मकत्वेन रस आप्यः। आचार्य सुश्रुत की भानुमति टीका में बताया है कि रस पांच भौतिक होते हुए भी, पांच भौतिक सिद्धांत से सभी तत्व पंच महाभूतात्मक है, पांच भूतों से बने हुए, इसी तरह रस धातु भी पांच भौतिक होते हुए भी रस में आप्य तत्व प्रधान होता है। रस में आप्य तत्व डोमिनेंट होता है, अतः इसे रस आप्य, रस को आप्य कहा जाता है। इसमें जल तत्व प्रधान होता है। नाउ प्रमाण ऑफ रस धातु।
आचार्य शुश्रुत ने कहा है, दुर्ज धातु मलानाम तु परिमाणम न विद्यते, शरीर घटकों का मापन करना संभव नहीं है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेजर क्वांटिटी ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स। जबकि आचार्य चरक और आचार्य वाग्भट ने क्या कहा है, मज्जा मेदो वसा मूत्र पित्त श्लेष्म शकृत अश्रोक रसो जलम च देहे अस्मिन एक एक अंजलि वर्जितम। इस तरह रस धातु का प्रमाण नव अंजलि आचार्य चरक व आचार्य वाग्भट ने बताया है। नव उपधातु ऑफ रस धातु, उपधातु मीन्स शरीर घटक जो धातुओं से निर्मित होते हैं उन्हें उपधातु कहते हैं। बॉडी कंस्टिट्यूएंट्स विच आर फॉर्म फ्रॉम धातु आर कॉल्ड उपधातु। आचार्य चरक के अनुसार रसात स्तन्यो ततो रक्तम अष्टौजा कंडरा सिरा मांसात वसा त्वचा षट च मेदसा स्नायु संभव। अर्थात रस की उपधातु आचार्य चरक ने स्तन्य व रज को बताया है। इसी तरह आचार्य शारंगधर, अकॉर्डिंग टू आचार्य शारंगधर, स्तन्यम रजस्य नारीनाम काले भवति गच्छति शुद्ध मांस भव स्नेह सा वसा परिकीर्तिता स्वेदो दंतास्तथा केशास्तथैव ओजश्च सप्तमम इति धातु भवानेया एते सप्त उपधातुवा। आचार्य शारंगधर ने प्रत्येक धातु की एक एक उपधातु बताई है। इन्होंने रस धातु की उपधातु स्तन्य को ही बताया है। नेक्स्ट इज धातु मल ऑफ रस धातु। अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक, आचार्य शुश्रुत एंड आचार्य वाग्भट, इन तीनों ने रस धातु का धातुमल कप को बताया है। आचार्य चरक अनुसार किट्टम अन्नस्य वेणमूत्रम रसस्य च कप अश्रुज, अर्थात रस धातु का धातुमल कप है। इसी तरह आचार्य शुश्रुत ने भी रस धातु का धातुमल कप को बताया है। कप पित्तम मलखेशु स्वेद स्यात नखरोम च नेत्रविट त्वक अक्षी च स्नेहो धातु नाम क्रमशो मला। नाउ वी विल स्टडी रस वृद्धि लक्षण मैनिफेस्टेशंस ऑफ इंक्रीज्ड रस। रसो अतिवृद्धो हृदय उत्क्लेदम प्रसेकम च आपादयति। आचार्य शुश्रुत के अनुसार रसो अतिवृद्धो हृदय उत्क्लेदम प्रसेकम च आपादयति। और आचार्य अष्टांग हृदय में क्या बताया, रसो अपि श्लेष्मवत श्लेष्म अग्नि सदनम प्रसेक आलस्य गौरवम श्वेत्य शैत्य स्लथांगत्वम श्वासकाश अति निद्रता। रस की अतिवृद्धि से हृदय प्रदेश में उत्क्लेद तथा प्रसेक मीन्स अधिक मात्रा में मुंह से पानी आना, ये अपचन सदृश लक्षण दिखाई देते हैं। इंक्रीज इन रस धातु इज मैनिफेस्टेड बाय कैरेक्टरिस्टिक्स एज नौशिया मीन्स उत्क्लेद एंड टाइलिज्म इंक्रीज फ्लो ऑफ सलाइवरी सिक्रेशन और हाइपर सलाइवेशन मीन्स प्रसेक। नाउ रस क्षय लक्षण मैनिफेस्टेशन ऑफ डिक्रीज्ड रस धातु। डिक्रीज इन रस धातु इज मैनिफेस्टेड बाय कैरेक्टरिस्टिक्स एज रसे रोक्षम श्रम शोषो ग्लानि शब्द असहिष्णुता शोषो मुखादीनाम ग्लानि क्लमः। फर्स्ट रोक्षम, रोक्षम मीन्स ड्राइनेस ऑफ स्किन हेयर नेल्स एक्सेट्रा। सेकेंड श्रम, रसे रोक्षम श्रम, श्रम मीन्स एक्सर्शनल फटीग। शोष ड्राइनेस ऑफ माउथ। ग्लानि, ग्लानि शब्द असहिष्णुता इनटॉलरेंस ऑफ स्पीच। हृत्पीड़ा, हृत्पीड़ा मीन्स पेन अबाउट द रीजन ऑफ हार्ट। कंप, कंप मसल्स क्रैम्प्स। स्नायु, शून्यता सेंसेशन ऑफ एम्प्टीनेस इन वेरियस ऑर्गन्स। एंड तृष्णा, तृष्णा मीन्स एक्सेसिव थर्स्ट और पॉलीडिप्सिया। घटते सहते शब्द न च उच्चे द्रव्यति शूल्यत, दिस इज शब्द असहिष्णुता। हृत्पीड़ा हृदयम ताम्यति स्वल्पचेष्ट अपि रसशये।
हृदपीड़ा कंपशून्यता तृष्णा च दीज आर द सिम्टम्स ऑफ रस क्षय. लास्ट इज त्वकसारता लक्षण रसार पुरुष लक्षण तत्र स्निग्ध लक्षण मृदु प्रसन्न सूक्ष्म अल्पगंभीर सुकुमार लोमा सप्रभिवज त्वक्सारा नाम सासारता सुख सौभाग्य ऐश्वर्य उपभोग बुद्धि विद्या आरोग्य प्रहर्षणानी आयुष्यत्वं च आचष्टे. आचार्य चरक के अनुसार रस धातु सार अथवा त्वक सार पुरुषों की त्वचा स्निग्ध मीन्स अंतस स्लक्षण मृदु सॉफ्ट प्रसन्न मीन्स क्लियर तथा प्रभायुक्त लस्टरस होती है. वह त्वचा पर सूक्ष्म कम मात्रा में गंभीर मीन्स डीप रूटेड व सुकुमार लोम होते हैं. ऐसे व्यक्ति सुख सौभाग्य ऐश्वर्य उपभोग बुद्धि विद्या आरोग्य प्रहर्ष व आयु संपन्न होते हैं. इंडिविजुअल्स हैविंग द एक्सीलेंस ऑफ त्वक और स्किन आर कैरेक्टराइज्ड बाय अंतस स्मूथ सॉफ्ट क्लियर लस्टरस स्किन एंड फाइन लेस नंबर्स डीप रूटेड एंड टेंडर स्किन हेयर्स. सच इंडिविजुअल्स आर एंडाउड विथ हैप्पीनेस गुड फॉर्च्यून पावर एंजॉयमेंट इंटेलेक्ट नॉलेज हेल्थ एक्साइटमेंट एंड लॉन्जेविटी. सो हियर वी एंड द टॉपिक रस धातु इन विच वी स्टडीड निरुक्ति ऑफ रस धातु पर्याय ऑफ रस धातु प्रॉपर्टीज ऑफ रस धातु फंक्शंस ऑफ रस धातु रस वृद्धि लक्षण रस क्षय लक्षण एंड रस सार पुरुष लक्षण. दिस सेशन इज पावर्ड बाय डिजिटल वर्जन 2.0 जयति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर. होप यू आर सेटिस्फाइड विथ माई डिजिटल सेशन. इफ यू हैव एनी क्वेरी Please mention it in comment box. I will resolve it. Thank you.